आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है जो पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स में अखबारात ने उसको कैरी किया है टेलीविजन चैनल्स में, तो मसलसल हेडलाइन थी जिसमें बहरहाल कुछ दिनों के बाद इस तारीख से बाद जो बहस शुरू हुई थी जब नसीम जहरा ने और हामिद मीर ने अपना एक प्रोग्राम किया जिसका जो सेकेंड सेगमेंट था, जो मिसिंग सेकेंड सेगमेंट है, आप में से बहुत से लोगों ने मेरा मैंने इस पर बहुत डिटेल ट्वीट किया है एक्सप्लॉइटिंग द न्यू फैसिलिटी जो मुझे इलॉन मस्क साहब की ट्विटर की तरफ से मुफ्त में मिल गई है। मैंने एक बहुत लंबा इसमें ट्वीट किया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये एक थ्री पार्ट प्रोग्राम था जिसका मेन ऑब्जेक्शनेबल कंट्रोवर्शियल पार्ट जो था वाले प्रोग्राम का वो था सेकंड पार्ट जो अंदाजन 8 मिनट कुछ सेकंड लंबा था जिसमें सडनली दफ्तन बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड के नसीम जहरा कश्मीर के ऊपर हामिद मीर से बात करना शुरू कर देती है। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई तसलसल नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, कोई बिल्डअप नहीं है। पहले पार्ट में सारी डिस्कशन पाकिस्तान के आईन 90 डेज इलेक्शन पीटीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन पे हो रही है, उसके बाद ब्रेक अनाउंस की जाती है, ब्रेक के बाद नसीम आती हैं और सडनली कश्मीर की बात शुरू करती हैं और फिर हामिद मीर जो है मुसलसल इल्ज़ाम देते हैं बाजवा साहब के हवाले से, बहुत लंबा नैरेटिव जो है वहां पे वो शेप कर देते हैं। मैंने जो बहुत लंबा ट्वीट किया उसमें मैंने बड़ी रिसर्च करके आपके सामने ये साबित किया, उसको मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर सकता हूँ कि कैसे जैसे हमने जब मैंने और हैदर मेहदी साहब ने जो प्रोग्राम किया उसके बाद चैनल 24 और 44 की अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहां से वो जो सेकेंड पार्ट है ऑफेंसिव पार्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट जिसमें हामिद मीर अपने बहुत से क्लेम्स करते हैं, जनरल बाजवा को एक्यूज करते हैं कश्मीर के सेल ओवर और सबका, वो पार्ट गुम हो गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको कोई वापस लेकर आएगा। असल में और नसीम जहरा साहब का भी आपने सुना होगा, मैंने उसके हवाले से 2-3 ट्वीट किए हैं कि वो कह रही हैं कि वो मुझे सू करेंगी फॉर डिफेमेशन एंड स्लैंडर एंड व्हाटएवर। इससे पहले कि मुझे वो सू करें फॉर स्लैंडर एंड डिफेमेशन, वो दोनों पार्ट्स जो हैं उनको रखने पड़ेंगे, जो रखें ट्विटर के ऊपर और उसको रख के लोगों को दिखाएं, क्योंकि नसीम जहरा का अपना ही चैनल अगर उस पार्ट को ऑन नहीं कर रहा तो उसको फिर कौन दुनिया में ऑन करेगा। वही वो पार्ट है जिसकी बेसिस पे वो कहती हैं कि नहीं मेरी तो टोटल इंटेग्रिटी थी और हम सब ये कहते हैं कि नहीं वो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि उनके जहन में स्क्रिप्टेड का लफ्ज एक ही आ रहा है कि स्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि शायद किसी ने लिख के को मसौदा बनाया। स्क्रिप्टेड का मतलब है कि ये प्लान था, ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये नेचुरल नहीं था, ये कुदरती डिस्कशन नहीं थी, इसका कोई बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट नहीं था, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी और ये प्लान करके एक प्रोग्राम जो है किया गया। और ये सारा प्रोग्राम की जब पहला और दूसरा पार्ट आप देखते हैं तो ये बात रोज रोशन की तरह आया हो जाती है। और मैंने तो उसको देख के एनालिसिस किया था, और से बहुत व्यूअर तो ये कहते हैं कि उनको ज़राए के जरिए ये पता था कि मौसम नकवी साहब जो है उन्होंने बाकायदा इस प्रोग्राम के हवाले से मशावरत की या एक कागज़ या स्क्रिप्ट या एक डिज़ाइन जो है वो इन लोगों को पकड़वाया। लेकिन वो डिस्कशन और बहस जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब आईएसपीआर ने बाकायदा एक पोजीशन ले ली है और पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने ये कहा है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे की गई बाजवा साहब के हवाले से वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। ये पहली दफ़ा है बहुत महीनों के बाद, समझे एक साल के बाद, कि आई हैव बादल न खासा मुझे आईएसपीआर की इस पोजीशन को सपोर्ट करना होगा, बिकॉज मैं बदनसीब वहां पे मौजूद था। यहाँ पे कम से कम 30 से ज्यादा मैंने उस वक्त मैं काउंट भी किया करता था जब भी ऐसी मीटिंग्स होती थी। ये अप्रैल ये 2021 की मीटिंग है जिसका जिक्र किया गया है। बाजवा साहब के साथ इस तरह की 2 या 3 बड़ी मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं। प्राइवेट मीटिंग्स करने का भी मुझे प्रिविलेज मिला था जिसकी वजह से मैं समझ सका कि उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें मैं मौजूद था और इसमें 30 से ज्यादा लोग थे, मैंने काउंट किए थे, मुझे याद है मैंने अपने नोट्स में लिखे थे, मैं 33 थे और इसमें आर्मी ऑफिसर भी बहुत से बैठे हुए थे। यानी हम लोग तो सामने बैठे हुए थे, इस हॉल के 3 हिस्से हैं, राइट सेंटर और लेफ्ट साइड के ऊपर, जनरल बाजवा सामने थे तो लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, कम अज कम 8-10 आर्मी ऑफिसर, आई एस पी आर एंड ऑपरेशन के जी